हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्लस फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर ऐप्स वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और ऐप्स वगैरह को कैसे हाइड करके छिपा सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप्स वगैरह को हाइड कैसे करें और ऐप्स को कैसे छिपा सकते हैं रियलमी 12 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप्स वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऐप्स वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और ऐप्स वगैरह को कैसे छिपा सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो रियलमी सेटिंग्स से आपकी शो हो रही है, तो इसमें से आपको जाना होगा प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जाकर ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। प्राइवेसी पे जाना है, हाइड ऐप्स पे जाना है। तो हाइड ऐप्स पे जैसे आप जाते हैं तो ऐप्स को हाइड कर पाएंगे और छिपा सकते हैं फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका जो पासवर्ड है, इसको आपको पहले फिल कर लेना है। तो हमसे 1 2 3 4 5 6 फिल कर देते हैं, जिससे आपको हाइड ऐप सेटिंग्स आ जाएगी। जिस भी ऐप्स को आप छिपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऐप्स को हाइड कर पाएंगे और ऐप्स वगैरह आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगे और छिप जाएंगे। इस तरीके से ऑन करते ही ऐप्स को आप हाइड कर पाएंगे, जो आपके स्क्रीन पे भी शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने रियलमी 12 प्लस फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो